वेलकम टू वी लंच चैनल। आज हमारा फर्स्ट क्लास है चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल मानस शास्त्र का। तो गेट सेट रेडी, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। गेट योर नोटबुक, गेट योर पेन पेंसिल रेडी, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट डाउन कीजिए। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स है फ्रेंड्स। तो आगे की स्लाइड में देखेंगे हम आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम ग्रोथ और डेवलपमेंट, वार्ड और विकास, इसके बारे में आज हम सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ह्यूमन बीइंग, इसे कहते हैं सोशल एनिमल, यानी ह्यूमन बीइंग एक स्टैटिक नहीं रहते। जब हम जन्म लेते हैं हम उसी स्टेज में वैसे ही छोटे नहीं रहते, हम बढ़ते रहते हैं, हमारा ग्रोथ होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है, और हम उम्र के साथ प्रोग्रेसिव वे में हम बढ़ते रहते हैं, विकास होते रहता है। इसीलिए ह्यूमन बीइंग इज नॉट स्टैटिक, और हमारे लाइफ में, बच्चों के लाइफ में वार्ड और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, क्या फिर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को सेम बोलेंगे, समानार्थी शब्द है क्या ये? बिल्कुल नहीं। आपके पेपर में ये सवाल हमेशा आता है, नहीं में हा प्रश्न ये तो वार्ड आणि विकास यात काय फरक आहे? मित्रांनो, वार्ड, ग्रोथ इसे कहते हैं जो फिजिकल ग्रोथ होती है, जैसे हमारा हाइट बढ़ना, हमारा वेट बढ़ना, ये सब फिजिकल फीचर्स है, एक्सटर्नल। और जब ये बढ़ते रहते हैं तो हम इन्हें माप सकते हैं, हमारा वेट कितना है मेजर कर सकते हैं, हमारी हाइट कितनी है हम मेजर कर सकते हैं। इसीलिए ग्रोथ को कहते हैं संख्यात्मक बदल, संख्यात्मक, क्वांटिटेटिव। वेयर एज डेवलपमेंट उसे कहते हैं जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं कर सकते, लेकिन वो भी एक विकास है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा बड़ा होता है तो वो सिर्फ हाइट में बड़ा नहीं होता, उसका इमोशनल लेवल बढ़ता है, उसकी फीलिंग्स डेवलप होती, विकास होता है, मेंटली बौद्धिक विकास होता है, विचारों का विकास, लॉजिक डेवलप होता है, उसका इमोशनल, सोशल, मॉरल स्किल्स डेवलप होते हैं, और उसे डेवलपमेंट कहते हैं। इसीलिए डेवलपमेंट को कहते हैं क्वालिटेटिव। नेचर में कैसा होता है? क्वालिटेटिव। विचारों की मैच्योरिटी बढ़ती है, वो क्वालिटेटिव है, उसे हम मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए डेवलपमेंट कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है तब से शुरू होता है, तो एंड तक, हमारे मरने तक वो प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन ग्रोथ एक एज के बाद स्टॉप होती है, हमारी हाइट बढ़ना एक एज के बाद स्टॉप होता है, बट हमारी बौद्धिक विकास, हमारे विचार, हमारा लॉजिक, हमारी मैच्योरिटी तो बढ़ती ही रहती है उम्र के साथ। इसीलिए डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और ग्रोथ एक समय के लिए होता है। इसीलिए ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है एक, और डेवलपमेंट विकास, संपूर्ण विकास होता है। तो आगे की स्लाइड में देखते हैं कि ये जो विकास है, ये जो डेवलपमेंट है, उसके मेजर क्या क्या पहलू है। मित्रांनो, डेवलपमेंट कोणते कोणते प्रकारे होते हैं? एक लहान मुलगा जेव्हा लहानपणापासून मोठा होतो, तर सर्वात पहिले आपण ऐकलं आहे फिजिकल डेव्हलपमेंट, शारीरिक विकास, जो आपण म्हणतो की आपल्याला डोळ्यांनी दिसतं, हाईट वाढणं, आपली स्ट्रेंथ वाढणं, बोन्स वाढणं, म्हणजेच आपली हाईट वाढते, आपलं वेट वाढतं, सगळ्यात पहिले आपल्याला दिसतो म्हणजे शारीरिक विकास दिसतो, फिजिकल डेव्हलपमेंट। नंतर येतो मोटर डेव्हलपमेंट, म्हणजे कारक विकास। कारक विकास किसे कहते हैं? बच्चा जब दौड़ने लगता है, रनिंग करने लगता है, जब चलने लगता है, उठता बैठता है, तो उसके मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, उसे कारक विकास कहते हैं, त्याला कारक विकास म्हणतात। आणि फिजिकल डेव्हलपमेंट नंतर मोटर डेव्हलपमेंट, ही प्रगती आहे मुलांची, मुलं ऑटोमॅटिक शिकतात, हे प्रोग्रेसिव्ह आहे, कंटिन्युअस। आणि त्यासोबतच मुलांच्या मोटर स्किल सोबतच कॉग्नेटिव, बौद्धिक, बोधात्मक विकास होत राहतो। बच्चों का इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता रहता है, बुद्धि बढ़ती रहती है, क्षमता बढ़ती रहती है, वो सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं, इसे कहते हैं बौद्धिक विकास। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा लॉजिक, हमारा थिंकिंग, हमारा अंडरस्टैंडिंग, ये सब कुछ कॉग्नेटिव डेवलपमेंट में जाता है। तो कॉग्नेटिव डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों,
उसके बाद हम देखेंगे कि बच्चों में लैंग्वेज भाषा की डेवलपमेंट आती है, बच्चे बोलना सीखते हैं, बच्चे समझना सीखते हैं, बच्चे भाषा लिखना सीखते हैं, और ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। और फिर बच्चे सोशल डेवलपमेंट, बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, अड़ोस पड़ोस नेबर्स के साथ बातें करते हैं, आणि त्यामध्ये त्यांची सोशल स्किल्स, एक दुसऱ्यांशी भेटणं बोलणं, रिलेशनशिप डेव्हलप होतं, त्याला म्हणतात सामाजिक विकास। आणि सामाजिक विकास देखील मुलांच्या आयुष्यात फार फार महत्वाचा आहे। आणि ही पाचवा, हा पाचवा विकास आहे मित्रांनो। आता आपण नेक्स्ट स्लाइडला जाऊया आणि पाहूया की सोशल डेव्हलपमेंट नंतर मुलांमध्ये काय डेव्हलप होतं। तर त्यांचं नैतिक मूल्य, मॉरल डेव्हलपमेंट, मुलं समजतात काय बरोबर काय चूक, मुलांचे ॲटिट्यूड्स डेव्हलप होतात, मुलांचे बिहेवियर डेव्हलप होतात, आणि म्हणून त्याला मॉरल विकास म्हणतो आपण। नैतिक विकास मुलांचा होणं ती देखील एक कंटिन्युअस प्रोग्रेसिव्ह विकासाची एक पैलू आहे। आणि सर्वात शेवटी आपण पाहतो आहे इमोशनल डेव्हलपमेंट, ही पण मुलांमध्ये होणं फार आवश्यक आहे। मुलांच्या भावना डेव्हलप होतात, मुलं कधी कधी खूप लो फील करतात, कधी कधी खूप हाय, म्हणजेच पॉझिटिव्ह इमोशन्स निगेटिव्ह इमोशन्स, पण भावनांचा विकास देखील विकासाचा एक भाग आहे। तर आज आपण पाहिलं की जेव्हा मुलं डेव्हलप होतात, विकास होतो मुलांचा, विकास होत आहे, तो किस किस वेरियस प्रकार के विकास होते हैं उनमें। हमने देखा कि 7 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं बच्चों में। और आज की क्लास में कंक्लूड मैं करती हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा है। तो आज हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट, मित्रांनो आपण वाढ आणि विकास यामधला फरक जाणून घेतला, आणि आपण विकासाचे वेगवेगळे पैलू, 7 वेगवेगळे पैलू ह्याचा अभ्यास केला। मित्रांनो आशा करते की तुम्हाला आज जे काही तुम्ही ऐकलं असेल ते तुम्हाला समजलं असेल। काही डाऊट असेल तर नक्की माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करा आणि मी तुम्हाला नक्की उत्तर देईल। पुढच्या सेशनमध्ये हा टॉपिक आपण पुढे घेऊया। पुढचा सेशन क्लास 2 नक्की अटेंड करा आणि माझं चॅनल वी लर्न सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।